दोस्तों जो हम लोग आने की बात कर रहे हैं, जो भी मेरे पास आ जाएगा उनको बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा हो जाएगा, सुविधा हो जाएगा और अच्छा खासा मतलब पैसा कमाएगा। हमारे साथ ऊपर काम करके वो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, जो मतलब रहते हैं हम जैसे कमाते हैं, अच्छा हर से कमा लेते हैं, लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ता है दोस्तों। रात को 12 बजे 1 बजे तक काम करना पड़ता है, तो महीने का तो 10,000 हम लोग लेके जाते हैं। 12 बजे 1 बजे रात तक काम करते, वैसे हम लोग अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं। जितना आप लोग समझ लीजिए कि हम लोग का महीने का खर्चा जाता है, उसमें कुछ भी बस भी जाता है, 1,000-2,000 बच्चा भी लेते, समझ लीजिए आप। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा मोहन ब्लॉग्स में। तो आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और देखिए हमारे बेटी साहब आर्या हमको घूर रहे हैं, देखिए कैसे घूर रहे, दोस्तों को दिखा दो तो आंखें अपनी। ये देखिए, ये नया स्टाइल है आर्या का गुस्सा होने का, जब कोई सामान नहीं मिलता है तो ऐसे गुस्सा हो जाते हैं। और ये देखिए माइक ले रहे हैं, मतलब ले रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों जैसा कि कल दादा जी ने बता दिया कि हमारा मोबाइल खराब हो चुका है, तो उसको बनवा के लाए हैं दोस्तों। आप तो सुने 1,000 रुपये खर्चे लग गए, बोला था शॉर्टिंग या बैटरी में क्या प्रॉब्लम है, तो बैटरी चेंज किया, मोबाइल में शॉर्टिंग का तो शॉर्टिंग निकाला। वही कह रहे हैं दोस्तों, दिन पर दिन खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और मतलब मोबाइल को बनवाना जरूरी था, क्योंकि जो वीडियो हम लोग इस मोबाइल से डालते हैं इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी आती है, मतलब मोबाइल हिलता भी नहीं है। और जो राधा जी की मोबाइल डालते हैं उससे भी क्वालिटी अच्छी आती है, लेकिन हाथ में पकड़े रहते तो लगता है कि मतलब हिल रहा है, ऐसे लगता है कि जिटर हो रहा है, इसीलिए इसको बनवाना पड़ा। और मतलब इस चैनल को इसी मोबाइल में रखते हैं, क्योंकि उस चैनल में रखना थोड़ा हम लोग को और लगता है डेंजर की मतलब कुछ हो आ जाए, क्योंकि इसमें फोन विन किसी का नहीं आता, सिर्फ चैनल रहता है, बाकी इसमें फोन मैसेज वगैरह वगैरह आते हैं, इसलिए चैनल को थोड़ा इतने मेहनत से खड़ा करके बनाया है, तो दोस्तों उसके लिए थोड़ा होता परहेज करना पड़ेगा, है ना। और आर्या देखिए माइक, आर्या देखिए माइक ले ली, हम लोग का आवाज होता तक जा रहा है कि फिलहाल काम पे जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, जैसे डेली जाते हैं। और कल एक खुशी की बात आई है कि एक सब्सक्राइबर ने किसको कमेंट किया था, नीलम को, नीलम जी जो हम इधर आती है, आप सभी ने देखा होगा, मतलब समझ लीजिए एक तरफ से हम लोग बहुत ही खास हो चुके हैं मतलब। और एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, वो हमारा भी वीडियो देखती है, उनका भी वीडियो देखती है, अब पता नहीं क्यों पहले उनकी सब्सक्राइबर थी हमारी सब्सक्राइबर थी, लेकिन फिलहाल अभी दोनों की सब्सक्राइबर है, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। हम लोग से सोच रहे थे कोई रहे, जैसे कि वीडियो भी हम लोगों ने बनाया था, यहाँ पे कोई रहेगा तो वीडियो बनेगा और चलेगा, और मन भी हम लोग का अच्छा रहेगा, हम लोग को भी अभी यहाँ पे अच्छा, भले जगह देखिए इतना सारा जगह है, लेकिन अभी अकेले ही रहते हैं, हमारा दोस्त भी जो दीपक था वो भी चला गया, आगे माइक करो, काम करो, है ना जी। काम करने के बाद आओ अपने रूम में पढ़े रहो, उसके बाद ये जो हम लोग टीवी देखो मतलब मोबाइल चलाओ, उससे भी आदमी इरिटेट हो जाता है दोस्तों। अगर आप दिन भर मोबाइल में लगे रहेंगे या फिर और क्या बोलते हैं टीवी देखते रहेंगे, अगर अलग से जो आइडियाज दिमाग में आते हैं, कहते हैं मतलब कई साइंस और थ्योरी कहती है, अगर आप अकेले बैठे रहे तो आपको बहुत सारे आइडियाज आते रहेंगे, जैसे कि अगर बाथरूम में आप नहाते रहे या फिर वगैरह वगैरह, अगर आप मोबाइलों से और टीवियों से दूर रहें तो आपके दिमाग में अलग अलग आइडियाज नए नए मतलब आते रहते, उससे आदमी का दिमाग थोड़ा तेज होता है, और फिर फिलहाल अलग अलग आइडिया आने से तो कुछ अलग सोच सकते हैं। वैसे हम लोग यहीं पे बैठे रहते हैं, यहीं पे अपने बारे में सोचते रहते हैं कि क्या करें, कैसे वीडियो चलाएं, मतलब यही सब ख्याल दिमाग में आता है, और अलग से आता है कि कैसे थोड़ा सा मतलब ज़्यादा कमा ले कि आर्या को आगे पढ़ा सके, तो यही सब दिमाग में आते रहते हैं, और कोई बैठा रहेगा साथ में तो आगे का कुछ सोचेंगे। तो फिलहाल अभी बातें चल रही हैं, शायद हम लोग भी जाएंगे तो उनसे बात करेंगे कि आ जाइए यहाँ पे। और रही बात जो पैसे की, जो कि वहाँ पे उनको सैलरी थोड़ा ज़्यादा मिलती है, हमारे यहाँ थोड़ा कम मिलती है, लेकिन हमारे इधर कम मिलती है सैलरी वो बात नहीं, लेकिन हमारे इधर थोड़ा सुकून है और हम लोग ऊपर से भी कमा लेते हैं अच्छा खासा पैसा। अभी गणपति और दिवाली आता है तो सैलरी से ज़्यादा हम लोग तो बाहर से कमा लेते हैं, लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ता है दोस्तों। रात को 12 बजे 1 बजे तक काम करना पड़ता है, तो महीने का तो 10,000 हम लोग लेके जाते हैं। 12 बजे 1 बजे रात तक काम करते, वैसे हम लोग अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं। जितना आप लोग समझ लीजिए कि हम लोग का महीने का खर्चा जाता है, उसमें कुछ भी बस भी जाता है, 1,000-2,000 बच्चा भी लेते, समझ लीजिए आप। खत्म करने के बाद अपने पास भी बचा लेते हैं और पेमेंट जो आता है वो समझिए बचा ही रहता है, तो यही सब मतलब हमारी अच्छी बात है। हमारे सेफ भी बहुत अच्छे है, समझिए एक परिवार की तरह वो रहते हैं, वो कभी तक आज को मतलब किसी को ये नहीं सोचे कि वर्कर है, वो सबको एक समान सोचते हैं, क्योंकि हम लोग जब लॉकडाउन में आए थे, लॉकडाउन से पहले हम लोग आए थे तो हमें वो ना जानते थे ना पहचानते थे, तो हमारे दीपक के दोस्त की वजह से हमें उन्होंने लगाया था फिलहाल, लेकिन ऐसा सेट कभी किसी को नहीं मिलेगा, बहुत ही अच्छे हैं। फिलहाल बातें चल रही है, आगे की बातें देखिए क्या होता है क्या नहीं, मतलब जो नीलम जी के हस्बैंड है अशोक जी, उनसे भी बात करेंगे, आलोक सॉरी आलोक बात करेंगे,
तो फिलहाल देखते हैं क्या होता है। अगर साथ में रहेंगे तो हमारा वीडियो भी चलेगा, उनका भी चलेगा, अच्छा हो जाएगा दोनों। और फिलहाल दोनों में से कोई भी एक लोग वायरल हो जाएंगे तो सबका भला हो जाएगा दोस्तों। जिंदगी भर काम करने से तो अच्छा है कि मतलब यूट्यूब पे काम करके देखा कि लाख कई लोग जो कि जिनके घर मतलब खाने को रोटी नहीं होता था, वो आज एक करोड़पति हो चुके हैं, गाड़ियां घर बनवा लिए हैं। हमारा भी एक सपना है, मतलब गाड़ी तो नहीं लेने का सपना भी है, कम से कम एक अच्छा घर हो जाए और एक बैंक खाते में कुछ अच्छे खासे पैसे हो जाए, 2-4 लाख, है ना। तो फिलहाल हम चल रहे काम पे, बाकी वीडियो राधा जी आप सभी को कंटिन्यू करके देंगी। अगर आप लोग को ये सब बातें अच्छी लगी तो आप लोग भी कमेंट कीजिए ऐसे अच्छे अच्छे जाके दोनों आदमियों को, तो उनको भी लगेगा कि हाँ मतलब जो कि क्रिएटर जो सब्सक्राइबर देखने वाले वो सपोर्ट करेंगे हमारा वहाँ पे जाने के बाद। तो फिलहाल चलते हैं हम काम पे। आप लोग कमेंट करिएगा उन लोग की वीडियो पे, और आप लोग हमारे वीडियो भी अच्छा अच्छा कमेंट करिए कि हम लोग का मतलब जो हम लोग राय लिए हैं जो वो अच्छा है, नहीं अच्छा है, आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं, आप लोग बताइएगा। सो फाइनली दोस्तों पति देव जी चले गए काम पर और हम भी चाय वो पी चुके, नाश्ता कर चुके, चाय पिए। और आज सुबह में हम खाना नहीं बनाए थे क्योंकि थोड़ा काम था, तो आर्य पापा बोले रहने दो आज खाना मत बनाओ, काम कर लो थोड़ा सुबह में उठ के। और हम काम करने लगे और बोले हम बाहर से नाश्ता कर लेंगे, तो नाश्ता बाहर से कर लिया। और हम सुबह में खाना क्यों खाते नहीं, हमको तो मन ही नहीं करता है सुबह में खाना। मैं पूरे दिन में एक बार खाना खाती हूँ, वो भी दोपहर में 2 बजे जब आर्य पापा आते हैं तब, उसके बाद सीधा शाम को खाती हूँ। और हमको दिन में पता नहीं क्यों भूख ही नहीं लगता है, सुबह में चाय पी लेते हैं उसके बाद भूख नहीं लगता। और आर्य अभी चाय पिए, दूध दूध पिए और सो चुके हैं, और हमारा खाना नहीं बना था तो अभी हम खाना बना रहे हैं, दाल चावल बना रहे हैं और अंडा बनाना है, तो अंडा भी हम दोपहर में मतलब उसका आमलेट बना देंगे, तो हम लोग दाल चावल और आमलेट खा लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। और सब्जी कुछ है नहीं तो इसीलिए अंडा बना देंगे, अरे पापा बोले अंडा बना देना। और दोस्तों जो हम लोग आने की बात कर रहे हैं, जो भी मेरे पास आ जाएगा उनको बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा हो जाएगा, सुविधा हो जाएगा और अच्छा खासा मतलब पैसा कमाएगा। हमारे साथ ऊपर काम करके वो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, जो मतलब रहते हैं हम जैसे कमाते हैं अच्छा खासा पूरा पैसा ऊपर रह के, वैसे वो भी कमा सकती हैं। तो हम मतलब नीलम जी को कोशिश किए लाने के लिए, भी देखते हैं नीलम जी क्या करती हैं। वैसे नीलम जी आ जाएंगी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि नीलम वहाँ पे जो काम करती है उसका महीने का बहुत ही कम पाती है, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पे पा लेंगी। जितना उनका महीने का खुराक जाता है, खर्चा जाता है, उसमें वो मतलब उतना वो कमा सकती है हमारे साथ ऊपर काम करके, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि वो बोलती भी है प्रॉब्लम रहता है, यहाँ पे आएंगे तो मतलब अच्छा भी रहेगा और पूरा जगह भी ज़्यादा है, और एक चांस है कि हम दोनों का वीडियो भी अच्छा खासा चल सकता है। हम दोनों लोग अगर मिलकर वीडियो बनाएंगे तो हम लोग हो सकता है लाइव में वायरल, हो नहीं सकता इतना मतलब गारंटी के साथ कह सकते हैं कि हम लोग चल मतलब हम लोग का वीडियो चल जाएगा। और हम लोग के पास यही लास्ट चांस है कि हम लोग साथ रहकर वीडियो बनाएं और कोशिश करें आगे बढ़ने की, तो हो सकता है आएंगे, देखते हैं अभी क्या होता है, अभी तो बात चल रही है, अभी देखते हैं नीलम जी क्या बोलते हैं, उनके हस्बैंड क्या बोलते हैं, दोनों लोग अभी अपने में समझ लेंगे तभी आएंगे। वैसे तो आना उन लोग को मतलब आएंगे तो उन लोग का फायदा रहेगा, ऐसा नहीं है कि उन लोग का घाटा रहेगा, नहीं उन लोग का बहुत ही ज़्यादा फायदा रहेगा, अच्छा भी रहेगा। एक बार आ जाएंगे अगर रह लेंगे ना एक आध महीने तो दोबारा फिर जाने का मन नहीं करेगा, इतना हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। तभी देखते हैं क्या होता है। चलिए अभी कुछ बातें आप लोगों से बाद में करते हैं, क्योंकि हमको थोड़ा पीस करके देना है और करके दिए, थोड़ा वायर लगाना है तो वायर लगा लेते, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। दोस्तों आप लोग ब्लॉग पे ऐसे बने रहिए और आप लोग भी अपने मतलब मेरे कमेंट में राय दीजिएगा कि हम लोग सही सोच रहे हैं या गलत, और आप लोग देखते ही होंगे कि हम कितना काम करते हो, ऐसा काम वो भी करेंगे तो फिर अच्छा खासा पैसा कमा सकती हैं, तो आप लोग भी कमेंट में राय दीजिएगा। चलिए भी थोड़ी देर के बाद आप लोगों से मिलते हैं, थोड़ा काम कर ले दोस्तों क्योंकि उसको 2 बजे तक रेडी करके हमको देना है। तो फाइनली दोस्तों वायर लग चुका है और हमारा खाना भी बन चुका है, वायर पलटी करना है। और आर्य भी सोकर उठ चुके हैं और आर्य देखिए यहाँ पे बैठ के अंडा खा रहे हैं। आर्य सोकर उठे तो आर्य ने अंडा उबाल दिए थे, तो आर्य अंडा खा रहे हैं। आर्य अंडा खा रहे हो, क्या खा रहे हो दिखाओ सबको, ये देखिए आप लोग को दिखा रहे हैं, आर्य अंडा खा रहे हैं क्योंकि आर्य रोज 2 अंडा खाते हैं, अच्छा है अंडा खाना चाहिए और बच्चा है तो बच्चे के लिए अच्छा है। और दोस्तों बहुत सारा काम है और अभी घर में पूरा साफ सफाई करना है, तो भी वायर मतलब वो लग गया है लेकिन उसको पलटी करना। और आर्य देखिए गाड़ी दिखा रहे हैं, चलो रखो, हाँ देख लीजिए, हाँ गाड़ी देखिए चला कर दिखा रहे हैं, आर्य कैसे गाड़ी चला कर खेलते हैं आप लोग देख लीजिए, दिखा रहे हो गाड़ी, हाँ। सो दोस्तों बीच में वीडियो रोकना पड़ा क्योंकि कोई आ गया था और वायर लेकर वायर काटने के लिए, तो अभी वायर हमको काटने के लिए लगाना पड़ेगा, तो अभी लगा दे रहे हैं कट जाएगा। और दोस्तों वीडियो में आज कुछ था नहीं ज़्यादा, आज क्योंकि काम थोड़ा ज़्यादा था और काम की वजह से हम लोग थोड़ा अकेले पड़ जाते हैं, इसलिए हम वीडियो थोड़ा पूरा सही से शूट नहीं कर पाते क्योंकि सब काम भी करना रहता है, ऊपर से बाबू भी रोता है और ऊपर से वीडियो भी बनाना रहता है इसीलिए, और वैसा भी काम करना घर का भी काम आप लोग समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है, मतलब
काम करना है, एक औरत के लिए घर का काम करना, ऊपर से बाहर का काम करना है, अगर जॉब करती है वो काम करना, ऊपर से फिर एक बच्चा संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए काम देखिए आ रही है गाड़ी आगे रख दे रहे, हाँ चलो दिखे देखें चलाओ यहाँ पे बैठ के, तो इसलिए बहुत ही ज्यादा मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। तो वीडियो पूरा अच्छे से मतलब थोड़ा नहीं सुर जैसा भी करते, लेकिन अपने लिए अच्छा ही सुर करते। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग को कैसा ब्लॉग देखना वो भी बताइएगा। और अभी हमें बहुत सारा काम करना है, क्योंकि हम सुबह से दोपहर तक काम ही करते रहते, उसके बाद जो घर का काम रहता है वो 2 बजे के बाद करते हैं। 2 बजे के बाद फटाफट हम मतलब काम करेंगे, घर साफ करेंगे, पूरा बर्तन धोएंगे, गैस वॉशेंगे, कपड़ा धोएंगे, उसके बाद हम तैयार होंगे शॉर्ट वीडियो शूट करेंगे, फिर वीडियो शूट करने के बाद कपड़ा वपड़ा मतलब निकालेंगे जो वीडियो पहनकर बनाएंगे, उसके बाद फिर हम नॉर्मल ड्रेस पहनेंगे, फिर उसके बाद हम काम करने फिर से बैठ जाते हैं। इसीलिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन तो काम जितना करते हैं मतलब उतना पैसा भी अच्छा मिलता है, और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, इतना मतलब कमा लेते हैं अच्छे से। इसीलिए थोड़ा मेहनत करें, 2 पैसा कमाए तो अच्छा ही रहता है अपने लिए। इसीलिए थोड़ा वीडियो से इसमें सुख बंद, लेकिन चलिए आज के वीडियो आप सबको कैसा लगा, वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं था मुझे भी पता है, आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, और जो राय हम लोग दे रहे हैं मतलब जो आना चाहते हैं हमारे पास उनके लिए अच्छा है कि नहीं, ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग्स वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।